अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बजे सुबह के 6 और मैं यहां पर लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट लेकर के आ गया हूं। यहां पर यूपी, जी हां फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूं। टोटल सीट अगर वैकेंट की मैं बात करूँ तो 300,000 लमसम में जो है 84 डिपार्टमेंट में 300,000 सीट जो है वेकेंट है ना। राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, आवास विभाग, ना जाने और कौन कौन से विभाग हैं। टोटल मैंने बोला ना 84 डिपार्टमेंट में 300,000 के अप्रोक्सीमेट जो है सीट जो है वेकेंट है ना। तो वहाँ की कुछ नौकरियों का हाल भी देख लेंगे और ये बम्पर वैकेंसी के बारे में भी अपडेट मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर पेपर में जो आर्टिकल आया है वहाँ से साफ साफ जाहिर होता है ना, खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने विभागों से पदों का ब्यौरा मांगा, 3 माह में शुरू होगी प्रक्रिया, यूपी में खाली पदों पर 6 माह में भर्ती होगी। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है ना। अब यहाँ पर देखिए, इन विभागों में राजस्व विभाग, लेखापाल वो अन्य में देखिए 9,000 सीट, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग में 5,300, और उसके बाद परिवहन विभाग में 10,056, आवास विभाग में 200, PWDU में जो है यहाँ पर 3,210, और यहाँ पर ये लाइन देखिए 84 विभागों में 300,000 पद रिक्त हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ से डिटेल अपने लोग देखिए कि प्रदेश सरकार जो है अगले 3 महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब 300,000 पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी का नियुक्ति जो है पत्र दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में यह ऐलान किया। उन्होंने अब विभागों, भर्ती बोर्डों व चयन आयोग को इसी हिसाब से आगे काम जो है करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब तक 300,000 भर्तियां जो है पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से हुई है ना। इसी तरह आगे पारदर्शी तरीके से भर्तियां जो है कराई जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव समेत सभी अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को 1 सप्ताह में विभिन्न विभागों में खाली पदों का ब्यौरा देने को कहा है ना। प्रदेश के 84 विभागों में लगभग 300,000 पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री के बाद ट्वीट कर कहा, भर्ती की चयन प्रक्रिया में सुचिता और पारदर्शी जो है हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। 21 को भर्ती आयोग की जो है इसको लेकर के बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 सितंबर को लोक भवन में अहम बैठक बुलाई है। इसमें लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड व अन्य चयन भर्ती जो है के बोर्ड अध्यक्ष को बुलाए गए हैं। असल में 5 साल संविदा पर सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद विपक्षी दलों ने युवाओं में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया है। गुरुवार को इस मुद्दे पर जो है प्रदेश भर में जो है विरोधी दलों ने आंदोलन किया। अब योगी सरकार ने अपनी भर्ती प्रक्रिया और तेज करने का निर्णय लिया है। अब फिलहाल में अगर नौकरियों का हाल देखा जाए यहाँ पर, तो देखिए 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 45,000 शिक्षकों को नौकरी मिली। दिसंबर 2019 में शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कट ऑफ अंक विवाद में न्यायालय में विचाराधीन है ना। इसमें लिखित परीक्षा हो चुकी है और लगभग 1.5 साल बाद मई 2020 में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। 1,46,060 अभ्यर्थी जो है इसमें सफल हुए, लेकिन अभी कट ऑफ अंकों को लेकर शिक्षा मंत्रियों के लिए 37,339 पदों को होल्ड करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है। माध्यमिक शिक्षा में जो है 2018 LT ग्रेड के 10,768 पदों में से लगभग 50% ही भरे। प्रक्रिया अब भी गतिमान है ना। सहायता प्राप्त जो है स्कूलों में 18 से 20,000 पद खाली नहीं, शुरू हो सकी भर्ती।
यहाँ पर इन सभी का जो है देखिए अपडेट, और इस तरह के जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको एक काम करना है, चैनल पर चले जाना है। चैनल पर जाने के बाद चैनल के रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात कर लेटेस्ट अपडेट की, दूसरे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको अबाउट वाले सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ से क्लासेस जॉब अलर्ट 24/7 को ज्वाइन कर लेना है। बीटीएससी पीआरडी एलआरसी के कैंडिडेट होंगे तो यहां से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पुलिस की जो है वैकेंसी को लेकर के अपडेट मैंने दिया, देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर नियोजन से रिलेटेड 18 सितंबर को जो है 27 जिलों का अपडेट मैंने दिया था, देख लीजिएगा। बेल्ट्रन डिपार्टमेंट में जो है बहुत बड़ी जो है केवाईसी को लेकर के डीईओ का बहुत बड़ा अपडेट यहां पर देखने को मिलेगा, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। सभी का प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा, यहाँ पर आप आकर के चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।